नमस्कार दोस्तों, डीएन हरियाणा आज पहुंचा है हरियाणा के दुजाना गांव। दुजाना गांव में क्या है, मस्जिदों और मज़ारों का गांव है। एक यहां हमारे को पुरानी मस्जिद देखी, साथ में इसके मज़ार है। ये पता नहीं किसने मनवाई थी, इसके बारे में एक शख्स मौजूद है, इन्हीं से पूछेंगे। जी भाई साहब, राम राम। राम राम भाई। भाई जी, जो ये मस्जिद है या मज़ार है, जो भी, कौन सी मस्जिद मज़ार है, किसने बनवाया था इसको? ये कारी जी ने बनवाई थी मस्जिद। कौन से सन में जी? सन तो 1228 हिजरी होती है उर्दू की। अच्छा, 1228 में तक कितने साल? लगभग इसको 215 करीब हो गए जी। 215 साल। हाँ जी। एक बार हमारे दर्शकों को इसके बारे में दिखाइए, एक बार सारी चलका बताइए, क्या कहाँ क्या होता है, क्या नहीं, क्या कहाँ जिन्ने इसके, कहाँ आना जाना ऊपर का, कहाँ का? देखो जी, इसने बहुत सुंदर कलाकारी कर रखी है, मोल्डिंग वगैरह देखो पुराने टाइम के हिसाब से। कैमरा मैन ने कहूंगा मस्जिद का बाहर का दृश्य दिखा दे एक बार। और जो साइड में है ये पड़काले हुए थे जी, ऊपर चढ़ने के, ऊपर चढ़ने के भी और नीचे जाने के भी। नीचे जाने के भी भाई पड़काले थे। नीचे क्या था इसके अंदर? इसमें तय खाना जी, इसी के अंदर, इसके अंदर तय खाना नीचे। और अंदर का दृश्य और दिखा दो जी, बता दो कि ये देखो भाई, यह अंदर से मस्जिद है, इसके अंदर जाने का रास्ता। और ये सर, ये सामने क्या है इधर, ये जो है यहाँ क्या है? ये जो है यहाँ इमाम साहब नमाज पढ़ाता खड़े हो गए जी, और यहाँ बाकी के जो नमाजी है साइड में लाइन में खड़े हो गए नमाज पढ़ते हैं उनके पीछे। और ये इस साइड भी है सर? हाँ, ये सब नमाज पढ़ने की जगह है, सारी नमाज पढ़ने की जगह, चारों तरफ कहीं देखेंगे हम नमाज पढ़ने की जगह। 1995 में जब बाढ़ आई ना, हाँ जी, तब इसकी हालत खस्ता हो गई, पानी घुस गया था, ये सारी दरारें उसी टाइम। ये देखिए एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि दर्शकों को दिखाए, गिरने के कगार पर है इसका। 20 साल से इसी कंडीशन में खड़ी है मस्जिद, मतलब ये कह रहे हैं कि पिछले 20 साल से इसी कंडीशन में खड़ी, तब गिरी नहीं है मतलब यहाँ। और भी दिखाओ सर हमें इस मस्जिद के बारे में, कहाँ मंजार है। और एक बार हरियाणा के राज्यपाल भी आए थे इसको देखने, ARK दुआई साहब। अच्छा। और अमेरिका की राजदूत भी आई थी, बहुत बड़े बड़े आदमी आते हैं देखने दूर दूर से। एक बार वो और दिखाओ आप मेरे को इस मस्जिद के अंदर का सारा। वो देखो जी, इन्होंने मस्जिद बनवाई थी ना, हाँ जी, इन्हीं के परिवार की मज़ार भी है इसी के अंदर साइड में। इसमें सारी मज़ार है मतलब, हाँ। जिन्हें मस्जिद बनवाई थी, हाँ, परिवार की। हाँ, ये देखो इसके अंदर है सारी, पीर बाबा की मज़ार भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। ये देखो भाई, ये मज़ार बता रहे हैं भाई, कारी जी के बाप और दादा की है ये कारी जी के थे ना जिन्होंने इसको मनवाया था, उसके दादा और परदादा की है मतलब जी। तो और ये जो साइड में है जी, जो एक और रास्ता नजर आ रहा है, वो बिल्कुल परे में है, जो साइड में है वो कारी जी की है, वहाँ कारी जी की है, जो सारा परलल हुआ है, सारा उनके परिवार के। ये रास्ता बंद है जी नीचे थे? नहीं, चालू है, खुला। इसके अंदर जास कहाँ पर? साफ सफाई है तो एक बार दिखाओ जी, हम दर्शकान दिखाओ ये नीचे क्या कुछ है। ये देखो भाई, सारी इनका परिवार की हैं, सारी जितनी भी हैं, एक बार नीचे देखो भाई, साफ सफाई पूरी, साफ व्यवस्था कर रखी इस भाई ने, पूरी सफाई करे। ये देखिए भाई अंदर से, ये इनकी ओरिजिनल है यहाँ पहले, और ऊपर नीचे को घुस नहीं सके था ना, जो ऊपर था एक कर जाओ भाई, जो पूजा पाजा करनी है अपनी। इसी दो कवर ऊपर हैं, ये ओरिजिनल है, ऊपर डुप्लीकेट है। अच्छा अच्छा। ताकि लेडीज वगैरह ऊपर से ही दर्शन कर ले। अच्छा, और जो आदमी है नीचे आ सके कोई। भाई ये भाई, इस भाई ने बताया अपने तक के, मतलब लेडीज है ना, वो जो ऊपर है वो दर्शन कर ले, और बाकी जो आदमी है वो नीचे आके भी कर सके दर्शन। और भाई ये देखो भाई, यार इन पीरों को खुदा मानो सर करो लिखा हुआ है कुछ न कुछ। ये देखो कैमरामैन ने कहा भाई अंदर की मोल्डिंग दिखाओ एक बार भी अंदर जाके। ये देखो कितनी अच्छी मोल्डिंग बना रखी है, जूम कर लेगा थोड़ा सा कैमरा ने। ये देख, बहुत अच्छी मोल्डिंग बना रखी है, ये कारीगरों ने अपने हाथ से बना रखा है इसको। देखो कोई साचे नहीं हार दे इसके, बहुत पुरानी मज़ार है ये। और इस मज़ार के अंदर तय खाने बताए हैं, वो तय खाने भी देखेंगे, आगे तो बंद कर रखे हैं, पाछे तक हो भाई खुले हैं एक बार। ये जो सामने है, ये जो कारी साहब का था आराम करने की जगह थी भाई, यो कारी साहब की आराम करने की जगह थी ऊपर, यो सामने है इस कम है, नीचे तो जहाँ नीचे कुआ होया करता, उस कुआ में था ऊपर तो पानी लेने का रास्ता बना रखा था। ये तो ये दरवाजे दरवाजे इन्हें बंद कर देखे, इसके अंदर नीचे कुआ है। ये देखो इधर से भी रास्ता इसका आने जाने का भाई, यहाँ से जाना है जी आपने उधर। हाँ। पोज कर दो जी एक बार। हाँ।
कवे मस्जिद में के हाड़ है ये नाली होया कर दी थे नाली थी भाई पानी से यहाँ पे हाथ धो के हाथ मुंह धो के तब अंदर जाते थे आदमी हाथ धो के भाई जो पानी आ कीचड़ का चढ़ नहीं होगा बाहर लकड़ जाओ सारा पानी हाथ पैर धोने के लिए मतलब हाथ पैर धो तो पानी बिखरे तो यो मेन रास्ता था मस्जिद में जाने का भाई ये क्या लिख रखे सर मस्जिद में ये लिखा आप बता उसको कुरान शरीफ की आयत है कुछ अच्छा अच्छा और ये भाई आड़े कुआ बताओ थे भाई आड़े सी ये देखो ये कुआ बंद कर रखा है भाई कुआ था ये दिखाओगे भी ये इसके चारों तरफ का रास्ता अब तो मतलब इसमें अतिक्रमण ज्यादा हो रहा है जी ये यहाँ से भाई देखिए कुआ था इस कुआ में था ना ऊपर अपना वो बैठा कर देना ऊपर पानी भर लिया दे और रास्ता मनवा रखा था कैमरा मैन को वहीं कुआ दिखा देगा यो कुआर ये ऊपर भी कमरे में पानी भरने खातर ऊपर का रास्ता बना रखा था नुकानू योर ये देखो नीचे तो पानी ले लिया यार दे ऊपर नुकानू देखो ये जो है ना चार खाने हाँ देखो लैटरिन बाथरूम में यहाँ पानी डालो अपने आप चले जाता था पानी ये देखो लैटरिन बाथरूम में देसी जुगाड़ बना रखा था भाई लैटरिन बाथरूम में पानी इन मगर चला जाएगा अपना आप ऑटोमेटिक यहाँ पानी डाल दो लैटरिन में पानी चला जाओगा भाई ये देखो भाई ये लैटरिन है जी भाई ये पुरानी लेटरिन है भाई इसमें ये बाहर का रास्ता भाई इसका सारा कंप्लीट ये देखो पुराने शीशे लगे हो रंगीन रोशनी जाओ अंदर जो अपना हवा महल में भी लाग रहे हैं पहले ये सारा सिस्टम सब भाई देखा दिखा रहे हैं मस्जिद का बहुत पुरानी मस्जिद है यो यार पड़काला अड़ा ऊपर चढ़ने का कदे पुराने वक्ता पड़काला इसमें भीड़ा पड़काला ऊपर चले जा रहे थे कन का तो गिर गया एक कन कर रहा है ये देखो भाई पुरानी मस्जिद के तय खाने देख लो ये देखो भाई ये देखो भाई ये तय खाने है देखो ये देखो तय खाने रोशनदान ये देखो नीचे नजर आ रहा है भाई देखो कमरा मन को देखिए भाई सुरंग से पूरी भाई तो इन में तो भाई बढ़ना तो मुसीबत ही है भाई इनमें बढ़िया तो कौन जावे देखो भाई ये कहेगा भाई इसमें कीड़ा काटा तरह तरह के जानवर सांप चुकंदर भी हो सके ये तय खाने देख लो भाई बहुत पुराने तय खाने हैं भाई इसमें या मस्जिद का देख लो भाई पाछ का रास्ता पुरानी मस्जिद है 200 साल पुरानी बता रही है भाई साहब 215 साल पुरानी मस्जिद है भाई इसकी मतलब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है मतलब इसकी कोई देख रेख नहीं है भाई भाई तो आड़ा बैसू बैठे है इसने कोई तो साफ सफाई कर रहा है बस इसकी और कुछ नहीं कर पता इसके पास इतनी धनराशि भी नहीं है भाई इसकी देख रेख कर ले भाई गांव में आबादी है मतलब बहुत कम है मुसलमान परिवारों की भाई हमने आपको इस मज़ार को दिखाया आप ये सभी विजुअल डीएन हरियाणा के माध्यम से देख पाए इसी प्रकार पुरानी पुरानी मज़ार हैं धरोहर हैं मस्जिदों हैं उनसे आप रूबरू कराता रहेगा डीएन हरियाणा के लिए मैं दिनेश रोहिला।